आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना कोविड 19 के संक्रमण के चलते टोटल लॉकडाउन कर्फ्यू के बाद एक बार फिर अनलॉक वन का फेज जारी है। इस दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना किसी कारण के लोग घर से ना निकलें, इसके लिए लोगों को ताकीद किया गया है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा बीती रात का है। बीती रात अर्थात बृहस्पतिवार 4 जून और शुक्रवार 5 जून की दरमियानी रात लगभग 11 बजे आंध्र प्रदेश में पंजीकृत एक वाहन जिसमें 4 लोग सवार थे, वे बाहुबली चौराहे के करीब आकर खड़े हुए। उनमें से एक व्यक्ति उल्टी भी कर रहा था, उसे मितली आ रही थी, उसके द्वारा यहाँ उल्टी की गई। इस बात की जानकारी कोतवाली पुलिस को मिलते ही कोतवाली पुलिस पूरी तरह सजग, कोतवाली पुलिस तत्काल ही मौके पर पहुँची। उसके द्वारा इन लोगों से पूछताछ की गई। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये आंध्र प्रदेश से निकलकर बनारस की ओर जा रहे थे। ये हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। रात के समय अनजान चेहरे सिवनी शहर में कैसे घूम रहे थे, पुलिस के द्वारा इनसे पूछताछ की गई। इनमें से एक व्यक्ति जिस तरीके से ये काले रंग का जो पहने हुए हैं, ये ऐसा लग रहा है कि इन्हें बुखार है। ये माथा भी बांधे हुए हैं, अपने कान भी बांधे हुए हैं और जर्किन से अपने आप को पूरी तरह ढके हुए हैं। चालक इसका कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नशे में है। पुलिस के द्वारा इनसे कागज़ भी नहीं मांगे गए और ये कागज़ लेकर उनके पास पहुँच गए। कोतवाली पुलिस पूरी तरह सजग ही दिख रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं नज़ारा। 4 और 5 जून की दरमियानी रात का ये नज़ारा है। ये देखिए आप, ये लोग इनको पुलिस ने इनसे पूछताछ करने के बाद इन्हें AP26BP4706 नंबर का ये वाहन है। हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी की सुविधा के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा वीडियो बुलेटिन के साथ ही ऑडियो बुलेटिन भी लाए गए हैं। आप ऑडियो बुलेटिन का भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुलिस प्रशासन बार बार आपको ताकीद कर रहा है कि अनजाने लोग अगर आपके आसपास दिखें तो उनके बारे में सूचना पुलिस को दें। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नज़र आ रही है। जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के निर्देशन मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खारपुसे, SDOP पारुल शर्मा और नगर निरीक्षक नगर कोतवाल महादेव नागोतिया, ये सारे के सारे पूरी तरह सजग ही नज़र आ रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं बाहुबली चौराहे पर ये वाहन आकर रुका। AP26BP4706 नंबर का ये वाहन है। इस वाहन को आप देखिए, इस वाहन में ये कुछ लोग संदिग्ध प्रतीत हुए। पुलिस को इसकी जानकारी मिली, कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और इन लोगों से पूछताछ करने के बाद इन लोगों को यहां से रवाना किया गया। इन लोगों से पूछा गया कि आप शहर के अंदर प्रवेश कैसे आपने किया, अगर आप बाईपास के जरिए जा रहे थे तो आपने शहर के अंदर आप कैसे प्रवेश कर गए। ये वाकई कोतवाली पुलिस की एक सजगता ही मानी जाएगी कि सूचना जैसे ही मिली वैसे ही सेकंड्स में, मतलब मिनट का भी इनके द्वारा इंतजार नहीं किया गया, मौके पर पहुंचे। आप ये देखिए, ये लोग एक मास्क भी नहीं लगाए, चालक है जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, सफ़ेद शर्ट पहने हुए हैं, ये वाहन के चालक हैं ये। इसके अलावा यहाँ पर और भी पुलिसकर्मी तत्काल पहुँच गए। अनजान वाहन कैसे आया शहर के अंदर, अनजान वाहन कैसे, वाहन के द्वारा प्रवेश कैसे किया गया, ये बात वाकई अभी वर्तमान में जबकि कर्फ्यू लगातार जारी है, रात का कर्फ्यू जारी है, उसके बाद भी अगर शहर के अंदर
वाहन घुस रहा है, तो ये वाकई एक आश्चर्य की बात है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट है। रात के अंधेरे में आप देखिए, देख सकते हैं आप, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, पुलिस के द्वारा इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इनसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ, ये जो आपको दिख रहे हैं, जो पीछे वाली सीट पर बैठ रहे हैं, ये कुछ बीमार दिख रहे थे। हालांकि पुलिस ने इनसे सारी बातों को दरियाफ्त करने के बाद इन्हें आगे रवाना कर दिया। पुलिस की मुस्तैदी का तारीफ़ काबिल है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट है। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत ज़रूरी होने पर घर से निकलें बिना मास्क के, आप किसी भी कीमत पर घर से ना निकलें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए, यूट्यूब आपके पास होगा, यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE, इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए, इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है, इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए, दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज नन और ऑल आपको दिख रहा है, आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियां, ज़रूरी खबरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।